नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, कई सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था कि धान की फसल में पहली स्प्रे कौन से दवाइयों का करेंगे, जो कि हमारे धान की फसल को रोगों और कीटों से लंबे समय अवधि तक सुरक्षा प्रदान कर सके और हमारे फसलों की उपज और उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में यही जानकारी बताएंगे कि धान की फसल में पहली स्प्रे कौन से दवाइयों का करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। साथ ही मैंने अपने रोपाई विधि में की गई धान की फसल पर कौन से दवाइयों का प्रयोग किया हूँ और उसका रिजल्ट कैसा रहा और कितने दिनों तक रहा, पूरा जानकारी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए 100% सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम अपने धान की फसल में पहली खाद की डोज डालते हैं, तो खाद की डोज डालने के बाद 6 से 7 दिनों के बाद हमारी धान की फसलों पर अनेक प्रकार के फफूंद जनित रोग और कीटों का हमला हो जाता है। ऐसे स्थिति में हमें सही कीट और सही रोगों को पहचान कर सही दवाइयों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में पहली खाद डालने के बाद 6 से 7 दिनों के बाद हमारी जो धान की फसल है, इसमें ब्लास्ट, सीड ब्लास्ट, इसके अलावा लीफ होल्डर यानी कि पत्ता लपेटा और तना छेदक का जो कीट है उसका प्रकोप बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम पहली स्प्रे के तौर पर कौन से दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान भाइयों, फफूंद जनित रोगों को दूर करने के लिए हेक्जाकोनाजोल 5% का इस्तेमाल करना चाहिए, या हेक्जाकोनाजोल 5% प्लस वेलिडामाइसिन 3.7% का जो कॉम्बिनेशन आता है इसको स्प्रे करना चाहिए, और इसी के साथ बाइफेंथ्रिन 10% या बाइफेंथ्रिन पर आधारित कोई भी कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से काम करने के लिए हेक्जाकोनाजोल बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, जो कि धान की फसल में ब्लास्ट और सीड ब्लास्ट को प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रण करने के लिए बहुत ही कारगर काम करता है। इसी के साथ आप तनाछेदक या लीफ होल्डर को कंट्रोल करने के लिए बाइफेंथ्रिन 10% या बाइफेंथ्रिन 8% का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लिंडासाइक्लोथ्रिन 4.9% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह था कि धान की फसल में पहली स्प्रे के तौर पर आप कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो यह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है। यदि आपके फसल में थोड़ी बहुत कीटों का अटैक है या थोड़ी बहुत फफूंदजनक रोगों का अटैक है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके फसल में कीट और जो फफूंदजनक रोग है, जैसे ब्लास्ट है, सीड ब्लास्ट है, उनकी मात्रा अधिक हो चुकी है तो आप इसके बदले में दूसरे फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने यह जो धान रोपाई विधि से लगाई है इसमें मैंने पहली स्प्रे के तौर पर कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग किया हूं और उसका रिजल्ट कैसा आया है। तो किसान भाइयों, यहां पर मैंने अपने धान की फसल में जो रोपाई विधि में किया हूं उसमें पहली स्प्रे के तौर पर हेक्जाकोनाजोल 5% का स्प्रे किया है। इसी के साथ यहाँ पर लेमडासाइक्लोथ्रिन 4.9% का स्प्रे किया हूँ। यह आप देख सकते हैं, यह हेक्जाधन प्लस के नाम से आता है, जो कि धानुका कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी के साथ यह सिजेंटा कंपनी की मेटाडोर के नाम से आता है, जिसमें कि लेमडासाइक्लोथ्रिन 4.9% आता है। तो मैंने अपने धान की फसल में पहली स्प्रे के तौर पर इन दोनों दवाइयों का प्रयोग किया हूँ और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। जैसे ही मैंने अभी इसको स्प्रे करते हुए लगभग 10 से 15 दिन हो चुका है और अभी इसमें तना छेदक या लीफ होल्डर यानी पत्ता लपेटा, साथ ही ब्लास्ट और सीड ब्लास्ट का जो प्रकोप है वह अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो किसान भाइयों, मैंने इसे प्रिवेंटिव के तौर पर यूज़ किया है, यानी कि रोग और कीट लगने से पहले इसको यूज़ किया हूँ। यदि आपके फसल में रोग या कीटों का अटैक हो चुका है तो आप इसके बदले में इससे ज़्यादा हैवी वाला फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में यही छोटा सा जानकारी देना था कि कई सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था कि धान की फसल में पहली स्प्रे के तौर पर कौन से दवाइयों का स्प्रे करेंगे। तो यदि आपके धान के फसल में ब्लास्ट, सीड ब्लास्ट या लीफ होल्डर या तना छेदक का प्रकोप नहीं हुआ है या होने वाला
है या प्रारंभिक अवस्था में है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी दूसरे कंपनी का बाइफेंथ्रीन या लेमडा साइक्लोथ्रीन, इसके अलावा हेक्जाकोनोजल या हेक्जाकोनोजल प्लस वेलिडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इससे भी आपके जो धान के फसल में अधिक फफूंदजनित रोग हो चुके हैं तो उसके बदले में आप टेबुकोनोजल और ट्राइफ्लोक्सोस्ट्रोबिन का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में यही छोटी सी जानकारी था। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।